शुक्रिया शुक्रिया। कावर साहब कैसा है? मसला जी चाइनीज इनका आउट क्लास है, चाइनीज जो है मजे का है ना, 100% पास है। अस्सलाम वालेकुम कराची, कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आज हम लोग मौजूद हैं बल्दिया टाउन में। बल्दिया टाउन में 24 की मार्केट है, मेन रोड पर ही जो है बैतुल मंदिर बिल्कुल न्यूली ओपन हुआ है। आज जो है इसका पहला दिन है और आज हम यहाँ पर आए ट्राई करने फूड, यहाँ पर यहाँ की फूड कैसी है ट्राई करेंगे, आपको रिव्यू देंगे यहाँ का फूड का। वीडियो हमारे साथ बने रहिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप हमारे चैनल पे किस किस्म की वीडियो देखना चाहते हैं। चलिए वीडियो का बकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं एंट्रेंस की। जैसे ही हम मंदिर रेस्टोरेंट में एंटर हुए तो बहुत अच्छा सा डिफरेंट सा माहौल हमें देखने को मिला। चारों तरफ खूबसूरती से जो है इन्होंने रंग बिरंगी बैलून लगाए हुए थे और पूरे हॉल को सजाया हुआ था। पूरा हॉल जो है सेंट्रली एयर कंडीशन है और काफ़ी बड़ा हॉल है। केबिन बने हुए हैं छोटे बड़े, मींस जितने लोग उसी हिसाब से आपको केबिन में एडजस्ट किया जाएगा और आप अपने केबिन में इजीली आराम से बैठ सकते हैं। एक केबिन के अंदर 5 से 6 लोग बआसानी बैठकर मज़े से खाने को एंजॉय कर सकते हैं और अगर आपके साथ फैमिली है तब तो आपको और ज़्यादा कम्फर्ट फील होगा क्योंकि केबिन बने ही इसी तरह हैं कि आपकी अच्छा व्यूअर्स बिल्कुल यूनिक सा माहौल है यहाँ पर। माहौल यूनिक सा है वो इसलिए क्योंकि यहाँ बैठने का इंतजाम जो है नीचे, कुर्सी टेबल का कोई इंतजाम नहीं है यहाँ पर। मैं जिस तरह नीचे बैठा हुआ हूँ इसी तरह जो है आपको यहाँ बैठना पड़ेगा और सेपरेट है, मतलब अगर आप फैमिली के साथ हैं या अपने यार दोस्तों के साथ हैं बिल्कुल सेपरेट एक केबिन टाइप का बॉक्स बना हुआ है जिसमें 5 से 6 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इस वक्त तो जो है मैं अपनी फैमिली को लेकर नहीं आया, मैं अपनी वाइफ के साथ ही आया हूँ, शॉपिंग के साथ। तो बहुत इजीली आप यहाँ बैठ के आराम से जो है पर्दे में बैठ के आप यहाँ से खाना खा सकते हैं। यूनिक है, स्पेशल है, आपको खाना भी खा के भी आपको रिव्यू देंगे कि खाना इनका कैसा है। व्यूअर्स एनवायरनमेंट काफ़ी बेहतर है यहाँ पर और यहाँ पर जो है लेडीज़ जो है यहाँ पर सर्व करती हैं। अगर आप कुछ ऑर्डर करेंगे तो फैमिली से के अगर आप साथ हैं तो कोई किसी को इशू नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर वेटर जो हैं जितनी भी हैं लेडीज़ वेटर हैं, मैक्सिमम तो 6 to 5, 5 to 6 इतने तो आ जाएंगे इंशाल्लाह। जी 7 तक भी आ जाती है। ये जो बड़ा लग रहा है ना आपको इसमें मतलब आ सकते हैं 8 से 10 बंदे तो आ जाए तो उनको वहाँ शिफ्ट कर देंगे। अगर ज्यादा छोटी फैमिली है तो यहाँ पे हो जाएगी छोटे बड़े स्टेक है भाई, सबसे बड़ी बात जो इतना आसान नहीं है स्टेक। बैतुल मंदिर है इंशाल्लाह और मेन्यू भी बहुत जबरदस्त है इंशाल्लाह। आई होप कि अच्छा मजा आएगा, सबको मजा आएगा, लोग खाएंगे तो एंजॉय करेंगे। हम जानना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे आप लोगों के पास क्या क्या चीजें हैं, स्पेशलिटीज आपकी समझ में आ गई हमें। बिस्मिल्लाह जी, स्टेक है, बैतुल मंदिर है, थाली है जो आजकल बहुत फेमस हुई भी है, प्लेटर जी जी जी, और क्या नाम है सूप है, चाइनीज है, सैलेड है, चाइनीज है, अच्छा इंटायर मेन्यू है, बारबेक्यू भी आ गया आपके पास। स्पेशलिटी आपकी क्या है? लोग आपके यहाँ बेहतरीन बहुत अच्छा जो है, लोग आप समझती हैं कि वो लोग खाएंगे और दीवाने हो जाएंगे, ऐसी क्या चीज है? वैसे तो हर चीज है लेकिन जो प्लेटर है जो आजकल बहुत फेमस है, हर एरिया में चल रहा है और बल्दिया टाउन में नहीं है तो ये कुछ न्यू है। आपको वैसे कैसा लगा ये रेस्टोरेंट? माशाल्लाह जबरदस्त है और एरिया वाइज जो है सलाम है इन खवातीन को जो काम। अच्छा मुझे जो अट्रैक्शन वाली बात लगी हाँ? वो लगी ये खवातीन क्या खड़े होके काम करना इतना आसान नहीं होता किसी भी लेडी के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है और खास कर आपको पता है औरंगाबाजी ये जो खाना है जब हम ऑर्डर करते तो उसके बाद सबर नहीं आता, मतलब जल्दी लिया चलो मर्द को तुम बोल देते हैं तो खवातीन है तो सबर ही करना पड़ेगा। सही बात है, उनका तो फिर हम कहते हैं ना कितनी देर कर दी आपने, कब से ऑर्डर दिया? हां कब से ऑर्डर दिया यार, क्या कर रहे हो आप लोग यार बेचारा। चलो देर तो नहीं करेंगे और माशाल्लाह हमने सुना है कि इनके पास काफी है बड़ा इंटरटेनमेंट। बल्दिया टाउन, बल्दिया टाउन के जितने भी रिहायशी है या पीछे औरंगी टाउन है, देखिए इन लोगों के लिए एक अच्छा मयारी खाना खाने के लिए एक अच्छी जगह नहीं थी लेकिन हमने देखा है कि माशाल्लाह से जो एम्बियंस बना है अच्छा है। फैमिली के लिए जो पर्दे वाले लोग होते हैं उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा है कि सुकून से अपनी सेपरेट फैमिलीज है, हर किसी का अलग अलग पोर्शन है, आएंगे खाना खाएंगे। अगर बड़ी फैमिली आ गई तो ये इतना बड़ा पोर्शन सुकून से खा सकते थे और मजे की बात ये टेबल भी नहीं है, सुकून से आप अपने यहाँ पर चप्पल या जूते जो पहने आपने उतारे और सुकून से अंदर बैठ के जो है वो दस्तरखान पे दस्तर जो एक सुन्नत का जो हमारा एक तरीका है बैठ के मजे से जो है वो खाना खाएं।
प्लेटर के लिए जो है तैयारी की जा रही है और सीख कबाब और टिक्के वगैरह लगाए जा रहे हैं। हम यहाँ मंदी रेस्टोरेंट में कुछ पहले ही आ गए थे ताकि आप व्यूअर्स के साथ प्लेटर की तैयारी को दिखा सकें। यहाँ पर जो शेफ़ हैं वो सऊदी से स्पेशली आए हैं इस रेस्टोरेंट में काम करने के लिए और लोगों का कुछ अच्छा और यूनिक खिलाने के लिए। किचन एरिया आपको दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोग देख सकें कि सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है और बिल्कुल हाइजीनिक खाना आप लोगों को सर्व किया जाता है। बारबेक्यू के लिए जितना भी आइटम तैयार किया जाता है सऊदी शेफ खुद अपनी निगरानी में अपने सामने उसे तैयार करवाते हैं ताकि किसी किस्म का कोई गड़बड़ ना हो। लीजिए व्यूअर्स, प्लेटर को रुनवाई के लिए पेश कर दिया गया है। क्या खूबसूरती से इस मंदी प्लेटर को ड्राई फ्रूट और बारबेक्यू से लबरेज किया गया है। सिर्फ देखने में ही इतना ज़बरदस्त लग रहा है प्लेटर, तो खाने में तो ये लाजवाब होगा। स्पेशली बने हुए टिक्का कबाब, काजू बादाम और बहुत कुछ इस प्लेटर में शामिल है। और आप खुद सोचें, जब ये बना ही शेफ़ ने है, जो शेफ़ आया है सऊदी अरब से, तो इसका जायका तो यूनिक होना ही चाहिए ना। ये क्या आइटम है शेफ साहब? ये क्या आइटम है? थोड़ा ऊंचा बोलिए, क्या आइटम है? नाम क्या है चटनी का? यमनी। ओके शेफ साहब, सबसे पहले नाम बताइए अपना। आपका नाम? शहबाज खान। ओके कदीमी आइटम है। ओके अच्छा जी, जबरदस्त भूख लगी हुई थी तो ये हमने प्लेटर तो फिनिश कर लिया है। और ये चाइनीज प्लेटर है, ये भी सर्व किया गया है और ये भी हमने मंगवाया था। बाबर साहब कैसा है? मसला जी, चाइनीज इनका आउट क्लास है, चाइनीज जो है मजे का है ना, 100% पास है। ये जो इनका बारबेक्यू प्लेटर है इसमें जो है हमें कुछ कमी लगी, लेकिन ये चाइनीज इनका बहुत अच्छा। इनका जो प्लेटर था उसमें सर्विंग कम थी, लेकिन उसका टेस्ट अच्छा है। प्लेटर बड़ा नहीं है लेकिन उसकी सर्विंग कम है। अगर उसमें ये सी फूड और डालते थे तो प्लेटर पूरा हो जाता। थोड़ा बारबेक्यू आइटम बढ़ा देते ना, तो कम था उसमें। बहरहाल लेकिन ये बहुत जबरदस्त है, ये अच्छा प्लेटर आया है, ये बहुत मजे का है। और आप लोग अगर पूरी फैमिली आपके साथ है आप इसको बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग जो है बस अब इस खाने को एंजॉय करेंगे। बस मंदी प्लेटर हमने इनका ट्राई किया, मंदी प्लेटर इनका सोसो था। उसके बाद जो है एक और प्लेटर आया जिसमें जो है 1, 2, 3, 4, 5 किस्म के जो है इसमें शाचलिंग है, 5 किस्म के, 5 मुख्तलिफ आइटम्स में। इसमें वेजिटेबल भी है और चिकन भी है। ये जो इनका प्लेटर है ये बेहतर है, बेहतर नहीं बल्कि अच्छा है। खाने में जो है इसमें टेस्ट अच्छा है, यूनिक है, यूनिक 5 मुख्तलिफ आइटम है और टेस्ट बहुत अच्छा है। और प्लेटर के साथ जो उन्होंने मंदी के साथ जो ये चटनी उन्होंने दी है ये भी स्पेशल है और खाने में बेस्ट है। उम्मीद है व्यूअर्स आपको आज की ये मजेदार सी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आप हमारे चैनल पर कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। चल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।